नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसमें दोस्तों आवास प्लस के अंतर्गत बदलाव कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, या दोस्तों अगर आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत लाभ लेना है, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत तीन नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे सभी लाभार्थियों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाकर दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पता चलेगा कि क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है। और दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों शहरी के अंतर्गत आप लोग जैसे ही आवेदन कर देते हैं, आवेदन करने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें दोस्तों अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक और दोस्तों अपना जमीन का पेपर, ये सब 5 डॉक्यूमेंट लगेगा। ये दोस्तों अगर आपके पास 5 डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों आप लोगों का वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों का जियो टैगिंग किया जाएगा। जियो टैगिंग में अगर दोस्तों आप एक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं, आपके पास कच्चा मकान है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों का जियो टैगिंग किया जाएगा। जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद आप लोगों को पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत दूसरी क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों बजट को लेकर बढ़ोतरी कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें दोस्तों 2021-22 और 2022-23 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1,70,000 रुपया दिया जा रहा था, उसमें दोस्तों बढ़ोतरी हो चुका है। 2023-24 के अंतर्गत 2,50,000 रुपया दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, जो कि दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत लागू कर दिया गया है, जो कि दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत अगर आप लोग आवेदन करते हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप लोगों को 2,50,000 रुपया दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। और दोस्तों, जो आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आप लोगों का अगर पैसा पेंडिंग में है, चाहे दोस्तों आप लोगों का पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का है, आप लोगों का पैसा पेंडिंग में है, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। केंद्र सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है, जितना भी पैसा पेंडिंग में है, उन सभी पैसा को 30 अक्टूबर तक सभी के अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया है, जितने भी पैसा पेंडिंग में है, सभी पैसा को दोस्तों 30 अक्टूबर से पहले सभी के अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3 बड़ी घोषणा कर दिया गया है। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्या बदलाव कर दिया गया है, क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, जिसमें अपने ही पंचायत कार्यालय पर ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आप लोग को ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें अपना आधार कार्ड, राशन, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक और अपना जमीन का पेपर, ये सब दोस्तों आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट देकर आप लोग वेरीफाई करके आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो दोस्तों आपका ऑनलाइन पोर्टल पर नाम को ऐड किया जाएगा। ऑफलाइन पोर्टल पर जैसे ही आप लोगों का नाम ऐड हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप एक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों का जियो टैगिंग किया जाएगा। जियो टैगिंग में अगर आप लोगों का कच्चा मकान है, तो आप लोगों को दोस्तों पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों का पक्का मकान मिल जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हमेशा हमेशा के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा। ये दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। और दोस्तों जो दूसरी बड़ी बदलाव कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों बजट को लेकर, जो कि दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों राज्य सरकार द्वारा 50,000 अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों 10 राज्य के अंतर्गत ये घोषणा हो चुका है, जिसमें दोस्तों 10 राज्य के अंतर्गत
अंतर्गत पहले 1,40,000 रुपया दिया जा रहा था, जिसमें दोस्तों राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है 50,000 अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें 1,90,000 आप लोगों को दिया जाएगा। ये दोस्तों राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है 10 राज्य के अंतर्गत 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। और दोस्तों जो आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी किस्त के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जा रहा था, उसमें दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों चौथी किस्त को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ये बड़ी घोषणा कर दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के अंतर्गत ही फाइनल पैसा दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप जैसे ही आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आप लोगों को पहली किस्त ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बाद दूसरी, आप लोगों को इसके बाद तीसरी किस्त के अंतर्गत आप लोगों को फाइनल आवास दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा डिटेल्स पता चल गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।